हेलो एवरीवन, दिस इज स्मॉल वीडियो ऑन द टॉपिक डेट कि काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे आंसरिंग में कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन का वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। आज हमने कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हेन यू वेक अप दिस इज मॉर्निंग, नेक्स्ट टाइम फिर अगेन हमने पूछा व्हेन यू वेक अप दिस इज आफ्टरनून या कुछ भी और, लाइक इट्स मीन्स डैट कि उनको क्वेश्चन और आंसर के बीच का करेक्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा, करेक्ट बॉन्डिंग नहीं समझ में आ रही और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो लैंग्वेज एबिलिटी अभी नहीं आई है। तो आप क्या करोगे, आप मैं हमेशा कहती हूँ कि मेक योर सेल्फ फर्स्ट फिक्स, आई मेक माई सेल्फ फिक्स, आई कैन मेक माई स्टूडेंट फिक्स, मेक अ वन क्वेश्चनरी, ठीक है, और उसके आंसर भी फिक्स होंगे और क्वेश्चन भी फिक्स होगा। अगर पॉसिबल हो तो हर क्वेश्चन के सामने आप एक छोटा सा पिक्चर बना सकते हो, ठीक है, जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इट्स और सेम क्वेश्चन पूछो सेम उसके साथ उसका वो पिक्चर भी दिखाओ और उसको सेम आंसर कराओ। अगर आप डेली डेली प्रैक्टिसेस एक पूरी मैंने तो पूरी बुक ही बना ली है, तो इस टाइप का पूरा आप बना लोगे तो आप डेली तो उसमें से तीन पेज कराए, तीन पेज आपके डन हो गए, फिर आप क्या करोगे स्टॉप कर दोगे, फिर तीन पेज में वो बिल्कुल कंसिस्टेंट पैटर्न बता रहे हैं, फिर तीन पेज बंद कर दिया, फिर तीन पेज आगे के स्टार्ट करा दिए, फिर एज अ मेंटेनेंस लास्ट के तीन पेजेस को करवाते रहोगे। तो जब आप मेंटेनेंस और नेक्स्ट का फेजेस पे आप बच्चे को पढ़ाओगे तो दे विल बी स्टार्टिंग टू गिव यू WH क्वेश्चन आंसर बेटर, ठीक है। तो WH क्वेश्चन आंसर बेटर के लिए यही है, मेक अ बुकलेट एंड ट्राई टू डू इन अ कंसिस्टेंट वे। और आपने अगर वाट के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वाट व्हेन हू वेयर सबके मिक्स करके पूछो, नहीं तो क्या होता है कि व्हेन में वो एक टिपिकल वे में आ जाता है, वाट में तो वाट व्हेन वेयर और उसके और थ्री पेजेस करके उसको आगे बढ़ा दे जाओ।